टिकटॉक, अभी टिकटॉक वर्सेस जब यूट्यूब चल रहा था तो उसमें कैरी मिनाटी एक वीडियो रिमूव हो गई। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारी चीजें आ रही हैं कि टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए। ट्विटर पे ये काफी ट्रेंडिंग में है कि बैन टिकटॉक इंडिया, बैन टिकटॉक फलाना डिमकाना जो भी है, मोदी जी बैन टिकटॉक, योगी जी बैन टिकटॉक। तो इस पे अभी जो सबसे पहले आपको एक चीज दिखानी है मेरे को, मैंने एक तो एक और चीज बतानी है, रुको एक सेकंड। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बात, ये देखो, ये चीज देख के मैंने टिकटॉक खोला है, मतलब इस पे वीडियो बनाई है कि जो टिकटॉक है, जैसे ही आप ये ओपन करते हो तो इंडिया से इसको रिमूव कर दिया गया है। इंडिया में आप देख सकते हो, ये अगर आ रहा हो तो, दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। ये मेरे Redmi Note 5 Pro में भी आ रहा था, Note 7 Pro में, पहले मेरे को लगा कुछ डिवाइसेज में ही होगा, लेकिन ये करीबन हर एक फोन में हो चुका है। जितने ही मेरे घर में फोन है उन सब में मैंने देखा है। इसकी रेटिंग कम से कम गिर चुकी थी 2.7 स्टार तक, किसी के बाद इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों ने अभी तक टिकटॉक अपने फोन में इंस्टॉल कर चुके हैं उनके फोन से हटाया नहीं गया है। मेरे काफी फोन, मेरे एक दो फोन है उनमें है टिकटॉक, उनसे ही रिमूव नहीं हुआ, लेकिन प्ले स्टोर में ये आ चुका है कि ये आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। कैरी मिनाटी के फैंस ने कमाल कर दिया, 4.3 से डायरेक्ट 2.7 टू स्टार। इसी के बाद टिकटॉक का थोड़ा काप गई और उसने इस ऐप को इंस्टॉल करना बंद कर दिया, अनइंस्टॉल करना ही बंद कर दिया। तो अब टिकटॉक काफी सारे डिवाइसेस पे नॉट अवेलेबल हो गया। अब ये क्या हो रहा है? हाँ, एक और बात, यूएसए जो है उसने ये ऐलान कर दिया, उनकी एक अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जिस भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के फोन में हमें टिकटॉक मिल गया हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। मतलब यूएसए ने एक तरीके से पूरे अच्छे से बैन कर दिया टिकटॉक को। और इसी के साथ टिकटॉक के कॉम्पिटिशन में एक और नया ऐप आ चुका है, समझ ही गए होंगे, काफी पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे, इंडिया का ऐप है ये। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आई बटन में लिंक होगा देख लेना, कि टिकटॉक जो है उसके बदले में या तो कोई यूएसए नया ऐप निकाल देगी या इंडिया निकाल देगा। तो इंडिया ने निकाल दी, यूएसए ने नहीं, इंडिया ने ऐप निकाल दिया मित्रों। इसमें भी डायरेक्ट मतलब काफी सारा टिकटॉक जैसा ही है, प्रीफेस काफी टिकटॉक से सिमिलर है, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। लेकिन हाँ, इसकी थोड़ी कुछ खामियां भी हैं, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली खामी, मतलब जो इसकी बुरी बातें हैं, हाँ अब ये है कि ये इंडिया का है तो ये अपडेट करते रहेंगे, थोड़े थोड़े टाइम में इसका अपडेट आ जाएगा और ये अपने ऐप को बहुत अच्छा बना लेंगे। हो सकता है कि ये टिकटॉक से भी अच्छा बना ले, बट इंडिया की ये काफी अच्छी कोशिश है कि उसने टिकटॉक जैसा एक ऐप निकाल दिया है जो कि मित्रों है। तो इसकी पहली जो बुरी बात है, बुरी कह लो या इसके फॉल्ट कह लो, ड्रॉबैक कह लो, खामियां कह लो, तो इसका जो पहला है वो है कि इसमें ऑप्शंस तीन आते हैं कि हम गूगल अकाउंट से लॉगिन कर ले, फेसबुक से कर ले, फोन नंबर से कर ले। लेकिन एंड में क्या होता है, मतलब सब, अगर आप फोन नंबर से करना चाहो आप नहीं कर पाओगे, फेसबुक से भी नहीं होगा, सिर्फ गूगल अकाउंट को ये सपोर्ट कर पाता है। ऑप्शन दो दिए हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है उससे, मतलब आप लॉगिन नहीं कर सकते। इतने फीचर्स इसमें नहीं है कि हम अपनी वीडियो को एडिट कर सके, मतलब जैसे टिकटॉक पे होता था कट कर लो, स्लोमो ऐड कर लो, फिल्टर्स डाल लो, वो सब इसमें नहीं हो सकता, फिल्टर्स बहुत ही मतलब कम होते हैं इसमें। दूसरा है कि मतलब सॉरी तीसरा कि अगर आपने एक बार कोई वीडियो अपलोड कर दी, जैसे टिकटॉक पे होता था कि आप उसे डिलीट कर सकते हो, तो इस मित्रों ऐप पे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मेथड से आप अभी तक उसे डिलीट नहीं कर सकते। चौथा जो है वो है कि आप जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर या यूजर नेम चेंज कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 3-4 बार टैप करना पड़ता है, जैसे एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन होता है वहां पे आपको 3-4 बार क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने उस प्रीफेस पे पहुंचोगे जहां से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो, यूजर नेम चेंज कर सकते हो। और वीडियो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने गैलरी में से मेरे को अपलोड करनी है, मैंने वीडियो बनाई, मैंने क्लिक किया अपलोड पे, तो वो अपलोड ही नहीं होती, आपको वापस उसी प्रीफेस पे ले जाती है जहां से आपने वीडियो, जहां पर आपने वीडियो बनाई है। काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वीडियो अपलोड नहीं होती और बार बार आ जाता है, जैसे कोई ऐप हमारे फोन में सपोर्ट नहीं हो रहा था,
कई फोन्स में ये आ चुका है, मैंने दोस्तों से अपने पता किया है कि उसमें आ जाता है मित्रों ऐप कीप्स इज नॉट सपोर्ट रिस्पॉन्डिंग, बार बार स्टॉप हो रहा है, ये नोटिफिकेशन आ जाता है। काफी बार ऐसा हो चुका है और नेटवर्क कनेक्शन काफी बार मतलब एरर आ जाता है। और इसमें जो कैप्शन जैसे मैंने लिखा कि आई लव माई होम, आई लव माई मम्मी, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपने कैप्शन लिखा है वो लिखता ही नहीं है, वो अपने से ही एक कैप्शन डाल देता है, जैसे कुछ भी डाल दिया उसने, एग्जांपल ले लो आई लव यू, या हैप्पी दिवाली का हैप्पी होली कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर का कुछ और कर दिया, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ये इसकी काफी बुरी बेकार बात है कि ये कुछ भी मतलब अपने उसमें कर देता है। तो बस अभी इसमें अपडेट आ जाएंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि जहां पे इंडिया ने इतना बड़ा ऐप ही बना दिया, एक नया सोशल मीडिया, इंडिया का फर्स्ट सोशल मीडिया आई थिंक, ट्विटर है कि इंडिया पता नहीं, अब वो कमेंट करके बताना ट्विटर इंडिया का या नहीं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पे हम एम करते हैं 8 लाइक का। पिछले भी वीडियो मैंने टिकटॉक रोस्ट पे बनाई थी, वो आई बटन में लिंक होगा वो देख लेना, उसमें मैंने सिर्फ 6 लाइक का एम किया था, टिकटॉक लाइक का समझ जाओ यार, टिकटॉक लाइक का एम किया था और उसमें 18 लाइक आ गए तो मैं काफी खुश हो गया था। तो इस वीडियो पे हम एम करते हैं 8 लाइक का, और टिकटॉक रोस्ट की वीडियो है। और रेडमी के जो दीवाने हैं जैसे मैं था अब नहीं हूं, तो उनके लिए भी एक आई बटन में वीडियो है, 2 है एक्चुअली रेडमी एक्सपोज में, तो वो देख लेना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, और आप भी मेरे को सजेस्ट करो कि मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बस गाइस इतना ही इस वीडियो में, और नीचे जो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने में कोई बैन नहीं है, सब्सक्राइब अवेलेबल है हमारी कंट्री में क्या पूरी वर्ल्ड में अवेलेबल है, तो प्लीज कर देना सब्सक्राइब। कुछ बोलना है क्या और नहीं, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।